चलो चल नवाओ, चलो नवाओ, चलो नवाओ। अस्सलामु अलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आकाशी रिक्शा टेक। तो फ्रेंड, मेरे पास अजीब वाला गाड़ी आया था, इसका प्रॉब्लम थोड़ा अलग था। इसका कोई चक्का में भी प्रॉब्लम नहीं था या डिफरेंशियल में भी प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन ये गाड़ी जब किसी बम्पर में जा रहा है या कोई गड्ढा में गिर रहा है, तब एक एक बार करके कट कट करके ऐसे साउंड आ रहा है। तो ये गाड़ी मेरे पास आया था तो मैंने देखा कि इसका बॉडी और चेचिस से पूरा छोड़ दिया, तो उसको ही आज फिक्सिंग करेंगे। और इसका एक साइड का पत्ती का जो बुश होता है, बुश भी ख़राब था, इस बुश को भी चेंज करेंगे एक साइड का ही। तो मेन जो प्रॉब्लम था, इस जगह में ही प्रॉब्लम था, ये साइड छोड़ दिया था। तो जब गड्ढे में गिर रहा था या कोई बम्पर के ऊपर जा रहा था, तो गाड़ी जार्क में ऐसा आवाज़ आ रहा था। तो फ्रेंड, इस वीडियो में आज आप लोगों को यही चीज़ दिखाऊंगा कि कैसे इसको फिक्स करते हैं, इसका वेल्डिंग भी कैसे करते हैं। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए। और आप लोग अगर इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ इस भाई को सब्सक्राइब कर दीजिए, भाई का चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और आपको अगर इस वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। तो फ्रेंड देखिए, ऐसा करके आपको पॉइंट सिलाई करना होगा, चेचिस और बॉडी को एक साथ मिला के। तो आपका गाड़ी में अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम होता है तो आप कोई वेल्डिंग वाला के पास लेके जाइए, उसको बोलिए कि ऐसा प्रॉब्लम है, तो उसको दिखा दीजिए ये जगह में प्रॉब्लम है, तो ठीक अच्छे से कर देगा। और ये ठीक करने से आपका गाड़ी का जो जार्क होता है, कोई बम्पर में जाने से जो गाड़ी बहुत ज़्यादा जार्क होता है, वो प्रॉब्लम पूरा सॉल्व हो जाएगा। और गाड़ी का ऊपर में जो कट कट करके आवाज़ होता है, जो बॉडी में जो नॉइस आता है, वो नॉइस भी पूरा चला जाएगा। तो फ्रेंड्स देखिए, इस साइड भी सेम कंडीशन है। देखिए चेचिस और बॉडी कितना गैप है, इसमें कोई गैप नहीं रहना चाहिए। तो पहले इस गैप को मारने के लिए पहले इसके नीचे हम जैक लगा के उसके बाद इस गैप को पूरा फिल करेंगे। देखिए पूरा गैप चला गया, तो ऐसा ही रहता है। तो ऐसा अगर नहीं रहेगा तो आपका गाड़ी में तो जर्क हो गई। লোকালের সামনে গিয়ে পড়ে যাচ্ছে, লোকাল চাপালে বার হয়ে যাবে।
না যখন দেখি শিয়ালদায় ঢুকছে গাড়ি একদম আসবে ঠিক আছে, তখন বলছিলাম যদি টিটিডি আসে ঠিক আছে পাশ দিয়ে একটা এক্সপ্রেস আস্তে আস্তে যাচ্ছে ঠিক আছে, আমরাও এক্সপ্রেসই রয়েছি ঠিক আছে, এখান থেকে এই লোকাল থেকে তোর ওতে ঝাঁপ মারি আস্তে করে লেবে ওই গাড়িতে উঠে যাবো, বলবো তাই তো চললে তো আসুন আর কি টিকিট। মনে আছে শিয়ালদায় আমরা ঢুকছি গাড়ি আমরা রানিং। তো ফ্রেন্ডস ওয়েল্ডিং কা কাম হো গিয়া, তো অভি প্রবলেম পুরাই সলভ হয়ে যায়গা, অভি কোই প্রবলেম নেই রয়েগা। और ये वेल्डिंग रिलेटेड एकदम छोटा टिप्स था, तो आपका गाड़ी में भी अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम रहेगा तो आप ऐसा करके काम करिए तो आपका प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया, और आपको अगर इस वीडियो को पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और इस चैनल पर आप अगर नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अस्सलाम वालेकुम।